हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, आईबीपीएस की तरफ से आईपीएस आरआरबी 13th का जो नोटिफिकेशन है फुल आउट कर दिया गया है, जिसके तहत आपकी आरआरबी पीओ की वैकेंसी एंड आपकी क्लर्क की जो वैकेंसी है आईपीएस की तरफ से निकाल दी गई है। यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जिसे आप ऑफिसर स्किल जो फर्स्ट होता है उसे पीओ के नाम से जानते हैं, एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज जिसे आप आरआरबी क्लर्क के नाम से जानते हैं, इन रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वहां पर आईपीएस की तरफ से हर साल आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की वैकेंसी निकाली जाती है, उसके लिए फुल नोटिफिकेशन इस बार आउट कर दिया गया। ठीक है, इसकी अपडेट ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पर दे दी थी। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए तो इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैंने इसकी पूरी नोटिफिकेशन जैसी आई थी, देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन डला हुआ है ना। इसके बाद ये आपका कौन कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी है पूरा डला हुआ है। ठीक है, ये ऑफिस असिस्टेंट वाली वैकेंसी है। इसके बाद प्रीलिम्स का जो स्ट्रक्चर रहेगा पेपर का, किस तरीके से होगा, मेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ा देते हैं कि किस तरीके से इसमें चीजें रहने वाली है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबीज सीआरपी आरआरबीज 13th फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर स्किल फर्स्ट, ग्रुप ए की जॉब आपकी रहेगी एंड ग्रुप बी की जॉब रहेगी ऑफिस असिस्टेंट, जिसे मल्टीपर्पज के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपकी रहने वाली है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 7 जून यानी कि कल की डेट से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और ये 27 जून तक आपके फॉर्म भरना चलेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो डाउनलोडिंग कॉल लेटर या पीटी प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है जो एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, वो होगा आपका जुलाई 2024 में। इसके बाद है ना, ये आपकी कॉल लेटर डाउनलोड होगी, यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी आपकी वो 22 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक होने वाली है। इसके बाद जो कॉल लेटर आपके आउट होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के, जो कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क रहने वाला है। ठीक है, जहां तक केस है अभी तक जो सिनेरियो था पिछले पिछले 2 साल में, वहां पर आरआरबी क्लर्क का एग्जाम पहले होता है, तो आपका आरआरबी क्लर्क का जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपका अगस्त 2020 में होगा, और इसी दौरान आपका जो पीओ का भी एग्जाम है वो भी आपका यहीं पर होने वाला है। ठीक है, अगस्त में एक हफ्ते का गैप रहता है, बीच में 7-8 दिन का गैप रहता है, उसी दौरान आपका पीओ एंड क्लर्क दोनों का एग्जाम हो जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम जो कि सिंगल एग्जाम होता है, उसके लिए जो कॉल लेटर एडमिट कार्ड आएंगे सितंबर 2024 में आएंगे, और उसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रहेगा। और इसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है आपका मेन सिंगल फॉर ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का, वो अक्टूबर 2024 में आएगा, क्योंकि इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका कब होगा, तो अक्टूबर नवंबर 2024 में आपका ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का इंटरव्यू हो जाएगा। इसी के बाद इंटरव्यू के जो यहाँ पर कॉल लेटर आएंगे कंडक्ट जो होगा वो आपका नवंबर 2024 हो जाएगा, और जो अलॉटमेंट आपको दिया जाता है ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट का, वो आपको जनवरी 2025 को आपके यहां पर ज्वाइनिंग करा दी जाती है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो रही आपकी सारी चीजें। चलिए अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ यहां पर बोला गया। तो यहां पर मैंने बता दिया वही एन एलिजिबल कैंडिडेट्स हु एस्पायर टू ज्वाइन एनी ऑफ द रीजनल रूरल बैंक लिस्टेड एट टेबल ए ग्रुप ए ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज मस्ट रजिस्टर फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो आईपीएस की तरफ से ये फॉर्म निकाला गया, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये पोस्ट ए की ग्रुप रहेगी आपकी, जिसके आपका 2 फेजेस से एग्जाम होने वाला है, और ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी ऑफिस असिस्टेंट, इसका भी 2 फेजेस में एग्जाम होगा। हालांकि इसमें एक इंटरव्यू फेज भी होता है, ठीक है, बट वो केवल मौखिक होता है, ओरल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेन होते हैं वो 2 फेज होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्किल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज द एग्जामिनेशन विल बी 2 टीयर। कौन कौन से, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस। एक तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा आपका, एंड एक होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन। ओके, और आरआरबी पीओ की अगर हम देखिए, ऑफिस असिस्टेंट में केवल 2 एग्जाम होंगे, एक आपका प्रिलिम होगा, एक आपका मेंस होगा, और जो आपका रिजल्ट बनेगा वो आपके जो मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में उसके आधार पर बनेगा। वहीं अगर आप ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रिलिम एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका कॉमन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो आपके मेंस में एग्जाम में जो मार्क्स मिले प्लस जो इंटरव्यू में जो आपको मार्क्स मिले उसके आधार पर आपका रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। जो ऑफिसर स्किल 2 होता है और जो थर्ड होता है वो उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि आपके एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, जो कि ऑलरेडी ऑफिसर स्किल फर्स्ट के रूप में वहां पर वर्क कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके मतलब का नहीं। ओके, दो ही आपके मतलब के, एक पीओ और एक आपका क्लर्क। ओके चलिए।
नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो रहेंगी, ठीक है वो, ठीक है। इसमें जो पार्टिसिपेटेड बैंक है वो कौन कौन से, ये आपको नेम ऑफ आरआरबी दिख जाएगा, उसका प्रेजेंट हेड ऑफिस कहाँ पर है, कौन सी स्टेट या यूटी में वो आता है, और लोकल लैंग्वेज क्या चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आप जिस भी आरआरबी में अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट भी यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र से है और वो एमपी से आपका फॉर्म भरना चाहता है, ठीक है, कहाँ से, एमपी से, तो एमपी के लिए देखिए दो बैंक है, एक तो है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, दूसरा है मध्यांचल ग्रामीण बैंक। इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है और इसका सागर में है, दोनों ही आपके एमपी स्टेट के अंतर्गत आते हैं और दोनों ही जगह पर हिंदी लैंग्वेज आपकी मांगी जाती है। तो अगर आप एमपी से हैं तो इन्हीं दो बैंक में आप यहाँ पर फॉर्म भरिएगा। अभी आपको वैकेंसी दिखा दूंगा इन दोनों बैंक्स में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई, ठीक है। तो अपनी अपनी स्टेट का आप यहाँ से देख लेना, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से नीचे आएंगे, देखिए सबसे पहले एज देख लेते हैं हम कि एज क्या मांगी गई है। जो आपकी एज है वो 1/6/2024 यानी कि 1 जून 2024 को क्या रहनी चाहिए। अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए भरते हैं जो कि आपकी है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की, तो आपकी एज है 18 से 28 साल के बीच होना चाहिए। कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2/6/1996 से लेकर 1/6/2006 के बीच होना चाहिए, ठीक है। वहीं आप ऑफिसर ए है ना, ग्रुप ए ऑफिसर स्किल भरते हैं जो कि आपका ऑफिसर स्किल फर्स्ट है, जिसे असिस्टेंट मैनेजर या पीओ के नाम से जानते हैं, उसके लिए 18 से 30 साल एज मांगी गई है और आपका जन्म 3/6/94 से लेकर 31/5/2006 के बीच हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नीचे चलते हैं और चीज देख लेते हैं कि आपको रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा। तो कैटेगरी लिखी है एससी एंड एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, बाकी जो अदर्स हैं जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हैं उनको 10 ईयर्स का, ठीक है। एक्स सर्विस मैन वगैरह का आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। चलिए और देख लेते हैं नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चलता हूँ उसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेंगे इसमें कि क्या एजुकेशन, ये सारे जो आपके जो डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये गाइडलाइंस वगैरह दी हुई है, ओके। चलिए अभी इसका सिलेबस वगैरह आपको दिखा देता हूँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ये सारा आपको चीजें पढ़ लेना, ठीक है। कितने का जो आपका इनकम है वो बिलो होना चाहिए और क्या क्या आपके पास नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा गया, ठीक है, और ये कब तक वैलिड होगा। आपका लास्ट जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 27/6/2024, वहां तक आपके पास जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए और आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आपको जो लैंग्वेज आती है उसी क्षेत्र से आप फॉर्म भरिएगा, बाकी फॉर्म से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट है डिजायरेबल, ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत, ठीक है। इसके पास जो ऑफिसर स्किल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, उसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी आपकी ग्रेजुएशन जो आपका यूनिवर्सिटी है वहां से होना चाहिए, ये सारे जो है यहाँ पर आपके पास, इनमें से किसी में भी अगर वो डिग्री है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो इन अगर ये वाली आपके पास डिग्री है तो उनको पहले दिया जाएगा, वही प्रेफरेंस प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में और कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके मतलब का नहीं है तो मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं ये उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर का चाहिए, ठीक है, तो ये आपके लिए वैलिड नहीं है, ओके। तो क्या चाहिए आपको मैंने बता दिया। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो 60% आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। कैंडिडेट यहाँ पर परसेंटेज के बारे में बोला गया था कि परसेंटेज, ठीक है, और 27/6 तक लास्ट डेट जो है वहां तक आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है आपके हाथ में होना चाहिए, और 60% आपकी होना चाहिए, यहाँ पर सब सब लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ से नीचे देख लेते हैं, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह इससे ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फीस देख लेते हैं, फीस कितनी मांगी गई है। तो ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए फीस है ₹175 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडीज के लिए, बाकी जो अदर कैंडिडेट उनके लिए ₹850 यहाँ पर रखी गई है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ₹175 और वही ₹850 अदर्स के लिए रखी गई है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपका क्या होगा, प्री एग्जाम होगा, क्या होगा, ठीक है, प्री एग्जाम होगा, देन आपका मीन्स एग्जाम होगा, क्या होगा, मीन्स एग्जाम होगा, ठीक है, यहाँ पर एक बार इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड हो गया, फिर आपका मीन्स एग्जाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू होगा,
ना, ये इंटरव्यू जो होगा केवल पीओ के एग्जाम में होगा, बाकी एग्जाम में आपका नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए ओके, चलिए। तो ऑफिस असिस्टेंट का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके प्रीलिम्स में, ये प्रिलिमरी एग्जामिनेशन का है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, है ना, जहां पर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपको 80 ही मिलेंगे। और यहाँ पर जो टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, आप किसी भी सेक्शन पर कभी भी स्विच आप कर सकते हैं, ओके। वहीं आप ऑफिसर स्किल फर्स्ट का पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही दोनों सेक्शन रहेंगे, सेम आपका 40 40 40 और 80 80 रहने वाला है, वही 45 मिनट मिलेंगे। बस इसमें अंतर क्या हुआ, इसका लेवल थोड़ा डाउन होगा, इसका लेवल जो होगा थोड़ा हाई होगा, ठीक है, बस इतना अंतर रहने वाला है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इन एग्जाम को, इनके प्रीलिम्स को कई बार क्रैक कर चुका हूँ, और इसके जो मेंस है, इसका मेंस एक बार निकाला है बट फाइनल में रह गया था, इसका मेंस मैंने दो बार निकाला है, एक बार मैं इंटरव्यू के लिए गया था बट फाइनल में मेरा नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए ना, इसके बाद आईपीएस एक रिजर्व लिस्ट भी जारी करता है जो कि उसके साल में 4 बार वो जारी करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है मेन एग्जाम में क्या आएगा आपके, तो ऑफिस असिस्टेंट के मेन्स एग्जाम में क्या आएगा, तो एक रीजनिंग क्वेश्चन आएगा आपका, 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, सवा नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। कंप्यूटर नॉलेज आएगी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, आधा नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। जनरल अवेयरनेस आपसे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। वहीं यहाँ 4A और 4B है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसी एग्जाम के दौरान ये सेलेक्ट होती है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अगर आप हिंदी माध्यम से तो हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जहां पर हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। ये एक बेनिफिट होता है जो कि बैंक एग्जाम से जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के होते हैं वो डरते हैं, तो आरआरबी उनके लिए एक यहां पर ब्रह्मास्त्र का काम करता है, क्योंकि आपको इंग्लिश या हिंदी में से चूज करने को दिया जाता है और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के वो हिंदी लैंग्वेज यहां पर चूज कर लेते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, यानी कि एक क्वेश्चन सवा मार्क्स का, 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। यहां पर जो टाइम आपको टोटल दिया जाएगा 2 आवर्स दिया जाएगा, किसी भी सेक्शन पर आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। सेम आपका ऑफिसर स्किल वन के लिए सेम रहने वाला है, बट फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर वही लेवल्स का अंतर आ जाएगा, इसका लेवल डाउन होगा, ठीक है, नीचे की तरफ होगा, इसका लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, हाई लेवल है आपको देखने को मिलने वाला है, ओके। चलिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि अगर है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका वो होगा ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो लिस्ट दे रखी है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन किस किस लैंग्वेजेस में होगा, जैसे आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आएगी, वहाँ पर लैंग्वेज चूज करने को आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो भी इंग्लिश एंड हिंदी, अरुणाचल प्रदेश से इंग्लिश हिंदी, असम से है तो असमी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जिस आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये स्टेट ऑफिसर स्किल 2 का है तो ये हम नहीं देखने वाले, ये 3rd का, ये भी हम नहीं देखने वाले, ओके। चलिए ये पेनल्टी रहेगी कि अगर आप एक क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं तो 0.25 यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलने वाली है, ओके। चलिए ये कट ऑफ वगैरह के बाद में वो तो जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में यहाँ पर दे रखा है ना, प्री एग्जाम ट्रेनिंग वगैरह के बारे में दे रखा है। इसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि आपका ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए रहने वाला है, जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये केवल ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए आपका रहने वाला है, ओके। चलिए इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली मैंने सारा कुछ बता दिया, वैकेंसी डिटेल और बताने रह गई तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं, और इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो हर साल 1 जनवरी को आपको देखने को मिलता है, ओके। चलिए इसके एग्जाम डेट वगैरह की ऊपर मैंने बताई थी किस तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, तो आईपीएस की वेबसाइट पर जाकर वहां से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी दिखा लेता हूँ, वैकेंसी कितनी कितनी निकली हुई है किस स्टेट में, हालांकि मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है आपके जो ग्रुप है मेरा टेलीग्राम, वहां पर मैंने ऑलरेडी डाल, ये कुछ नहीं है भाई, 76 पेज दे दिए किसी, पता नहीं बहुत सारी यहाँ पर जो डिटेल्स है इन्होंने लिख दी है, ठीक है। यहाँ पर हम वैकेंसी केवल देखने वाले हैं कि वैकेंसी कहाँ पर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है आपकी वैकेंसी, ओके। तो एनेक्चर फर्स्ट वैकेंसी अंडर सीआरपी आरआरबी 13 इंडिकेटिव ऑफिस असिस्टेंट मल्टी प्रोसेस की कितनी वैकेंसी निकली है, जैसे हम देखना चाहें यहाँ पर देखिए ऊपर वाला ही दिखा देता हूँ आपको, जैसे एमपी देख लीजिए, ठीक है, एमपी के ही हम देख लेते हैं कि अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके बैंक्स दे रखे हैं, कौन कौन से बैंक है, एक है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, एक है आपका मध्यांचल ग्रामीण बैंक, वहां पर आपको ऑप्शन टिक करने को आता है तो आप इस तरीके से टिक करिए, ठीक है। इसमें देखिए वैकेंसी कितनी है टोटल, देखिए टोटल जो वैकेंसी 357 है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में, और वहीं 300 वैकेंसी है मध्यांचल ग्रामीण बैंक में। कैटेगरी वाइज देखें तो एससी की 53 है, एसटी की 71 है, ओबीसी की 53 है, ईडब्ल्यूएस की 35 है, और जनरल की 145 है। वहीं मध्यांचल की बात करें तो 45 है एससी की, एसटी की है 22,
ओबीसी की है 81, ईडब्ल्यूएस की है 30, जनरल की है 120, टोटल है 300। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी वगैरह होते हैं उनकी यहाँ पर वैकेंसी है। अगर आपको अपने स्टेट की वैकेंसी देखना है तो देखिए मैंने अपना टेलीग्राम खोलेंगे मेरा, इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। टेलीग्राम पर यहाँ पर सर्च बार में डाल के डाल देना, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से ये डाल रखा, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगी चीजें, ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरे डाटा यहाँ पर दिया है। तो आप इसको डाउनलोड करके इजीली अपने स्टेट की जो वैकेंसी देख सकते हैं, या नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी, उसमें आप कौन से नंबर पेज पर, 43 नंबर के पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हम ऑफिसर स्किल 1 की वैकेंसी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। फिर से मैं जैसे गुजरात उठा लूँ तो गुजरात में आपके दो बैंक है, बड़ौदा है, एक आपका सौराष्ट्र बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बड़ौदा बैंक ने अभी तक नॉट रिपोर्टेड है, यानी कि ये बाद में रिपोर्टेड करेगा, यानी कि इसकी वैकेंसी बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें सौराष्ट्र वाली की बात करें तो कितनी वैकेंसी है, टोटल 70 वैकेंसी है। यहाँ पर एससी की है 11, एसटी की है 5, ओबीसी की है 19, ईडब्ल्यूएस की 7 और जनरल की 28 है, ठीक है। जो एनआर लिखा हुआ है वो बैंक बाद में आपके रिपोर्टेड करते हैं, ठीक है। एक से डेढ़ महीने बाद, या हो सकता है 10-12 दिन बाद भी वो रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। टोटल वैकेंसी कुछ इस प्रकार है, मैंने आपको ग्रुप में अपडेट दे दिया था, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ इस तरीके, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए टोटल वैकेंसी 5,585 है, और ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए 3,499। इनमें बहुत ज्यादा बढ़ने की वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए वो आपकी 8,000 के आसपास जाएगी, और ऑफिसर स्किल फर्स्ट की 5,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे जो बैंक है वहां पर नॉट रिपोर्टेड इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये आपकी स्किल 2 की है, तो ये हमारे लिए मतलब की नहीं, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट वालों के लिए होती है, ठीक है। तो है ना, यहाँ पर मैंने आपको लगभग लगभग सारी जो डिटेल्स है वो दे दिए दोस्तों, ठीक है। ये सारी ऑफिसर स्किल जो सेकंड वगैरह होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर शायद एग्जाम सेंटर के बारे में दिए गए कि प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, जैसे आप छत्तीसगढ़ से पढ़ते हैं तो भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर है, गुजरात से भरेंगे तो इतने सारे हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से भरेंगे इतने सारे। मेन्स एग्जामिनेशन यहाँ पर कम रहते हैं, जैसे अगर आप एमपी से पढ़ते हैं तो यहाँ पर मेन्स एग्जामिनेशन के लिए भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, ठीक है। चलिए तो इतने सारे आपके सेंटर हैं, आप जब चूज करेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी के सेंटर आपको यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है। डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड करने हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगभग आपको पूरी डिटेल दे दी, इसमें बाकी और कुछ नहीं बताया, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, किस तरीके से आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए ये सब। तो ये डॉक्यूमेंट आप मेरा टेलीग्राम से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, और वहां से जाके आप इसे इजीली अवेल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने ऑलरेडी जो मोटी मोटी डिटेल है वो यहाँ पर मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो यहाँ से लेना, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट है या किसी चीज पर आपको इसमें क्वेश्चन पूछना है, किसी चीज के बारे में जानना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।